वेलकम टू अवर चैनल स्टूडियो डाउन। मैं कोमल आपके सामने हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ खास खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अभिनेत्री वाणी कपूर ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए, जिसकी तस्वीर उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस दौरान वाणी के साथ अभिनेत्री राशि खन्ना भी मौजूद रही। वहीं वाणी कपूर ने मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि ये एक बहुत अच्छा एहसास था। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ शादी करने की खबरों को टाइम्स ऑफ इंडिया से हुई बातचीत में खारिज किया है। उन्होंने कहा, लोग कह रहे हैं कि एक हफ्ते में मेरी शादी होने वाली है और अभी मैं सिर्फ काम करना चाहती हूं। कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने बताया कि उन्होंने जिस आउटफिट में पुरस्कार लिया था उसे एक फ्ली मार्केट जहां सेकंड हैंड सामान बिकता है वहां से खरीदा था। इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर उन्होंने कहा, अवार्ड मिलने से पहले जल्दी से कांस के एक फ्ली मार्केट जाकर आउटफिट खरीदा था। फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की एक्ट्रेस कनी खुशरुति ने अपने आर्थिक संघर्षों को लेकर एशियानेट न्यूज से बात की है। उन्होंने कहा, मलयालम फिल्म बिरयानी के लिए उन्हें 70,000 रुपए ऑफर हुए थे और उस समय मेरे बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,000 थे। एक्ट्रेस ने कहा कि उन्होंने रुपए कमाने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू किया था। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने बताया है कि जब से मैं गर्भवती हुई हूं तब से मेरे पति व एक्ट्रेस अली फजल की प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई है। उन्होंने कहा, अली ने इस बीच 4 से 5 फिल्में साइन की और उन्होंने कई सारे इंटरनेशनल ऑडिशन भी दिए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग इवेंट जिस लग्जरी क्रूज पर आयोजित किया जा रहा है, इंस्टाग्राम पर एक फैन पेज ने उसका वीडियो व तस्वीर शेयर की है। इसके अलावा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहान उर्फ ओरी ने भी इंस्टाग्राम स्टोरीज में कुछ तस्वीरें शेयर कर क्रूज की झलक दिखाई है। ये क्रूज इटली से फ्रांस जाएगा। एफटीआईआई के पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीतने पर संस्थान के पूर्व छात्रा पायल कपाड़िया को बधाई दी है। उनके एफटीआईआई चेयरमैन बनने के खिलाफ पायल द्वारा प्रदर्शन किए जाने को लेकर उन्होंने कहा, मामला अभी कोर्ट में है। प्रतिभावान होने और अनुशासित होने में बहुत फर्क होता है, अनुशासन बेहद जरूरी है। गायक उदित नारायण ने बताया है कि फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही का गाना देखा तेनू रिक्रिएट करने का उन्हें ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उदित ने कहा, इस गाने को रिक्रिएट नहीं करना उनकी गलती थी। फिल्म मेकर्स ने 4 महीने तक मेरा इंतजार किया था, लेकिन गलतफहमी के कारण मैं ये गाना नहीं कर पाया। अभिनेत्री ईशा देओल ने बताया है कि अपने पिता धर्मेंद्र के कारण वो साल 2005 में शो कॉफी विद करण में सलवार सूट पहनकर गई थी। उन्होंने कहा, मुझे देखकर शो के होस्ट करण जौहर हैरान रह गए थे, तो मैंने कहा कि हो सकता है कि पापा शो देखे, इसलिए बेहतर है कि अच्छे तरीके से कपड़े पहन कर आऊं। फिल्म दंगल में काम कर चुकी जायरा वसीम के पिता जाहिद वसीम का निधन हो गया है। जायरा वसीम ने इंस्टाग्राम पर लिखा, लोग उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें, दुआ करें कि अल्लाह उनकी कमियों को माफ कर दे और उनकी कब्र को आराम की जगह बनाए। उनके पिता के निधन का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे कल दोबारा मिलूंगी नई खबरों के साथ में। तो आप हमसे जुड़े रहे स्टूडियो अड्डा पर।